जनाब सफ़ाद साहब आपके सामने कलाम पेश कर रहे थे। यकीनन मरहूम की ज़िंदगी से ताल्लुक कई अशारी उन्होंने पेश किए। चूँकि पहले मैं बता चुका हूँ कि वक्त की तंगी है, इसलिए मैं शायर को आवाज़ दे रहा हूँ इन चार मिसरों से कि मेरे वजूद पे इस तरह छा गए अब्बास, मेरे वजूद पे इस तरह छा गए अब्बास, अब आहटों पे भी लगता है आ गए अब्बास, अब आहटों पे भी लगता है कि आ गए अब्बास। और ये मैं शहाब भाई की तसल्ली और तशफ़ी के लिए शेर पेश कर रहा हूँ कि निसार भाई पे किस तरह भाई होता है, निसार भाई पे किस तरह भाई होता है, ये करबला में जहाँ को बता गए अब्बास, ये करबला में जहाँ को बता गए अब्बास। मैं इन चारों मिसरों के साए में गुजारिश कर रहा हूँ बेहतरीन शायर दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाले जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब से क्यों तशरीफ़ लाएँ। मशहूर ज़माना शायर जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब। अरे सलवार अल्लाहु सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मतला चंदशान वाले एक मिसरा हुआ था अभी उरई में चौथे इमाम के शान में, मतला हाजिर कर रहा हूँ मुलाजा फरमाए। एक मिनट के बाबा से बोलो नारे सलवार जब मैं मिदहत का सफर तय करने वाला हो गया, जब मैं मिदहत का सफर तय करने वाला हो दिल पुकारा मुझसे राजी मेरा मौला हो गया, दिल पुकारा मुझसे राजी मेरा मौला हो गया। तालिबे बयात का रुसवाई में चर्चा हो गया, तालिबे बयात का रुसवाई में चर्चा हो गया, एक ही दिन में बहा बार रुसवा हो गया, एक ही दिन में 72 बार रुसवा हो गया। साथ में कुरान के जब एक सहीफा मिल गया, साथ में कुरान के जब एक सहीफा मिल गया, यूं लगा जैसे के सोने पर सुहागा हो गया, यूं लगा जैसे के सोने पर सुहागा हो गया। और ये शेर मतलब खास मुलाजा फरमाए, यूं लगा यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, यूं तो पहले ही नुसैरी खा चुका था एक फरेब, देख कर अब्बास को एक और धो
चोखा हो देख कर अब्बास को एक और धोखा हो गया। बिनते हैं दैब जब खिलाफे जुल्म बोली शाम में, क्या बात। बिनते हैं दैब जब खिलाफे जुल्म बोली शाम में, बाप का बेटी का लहजा एक लहजा हो गया। बाप का बेटी का लहजा एक लहजा हो गया। किताब में देखिएगा, जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, जब नकाब उल्टी अली अकबर ने सब समझे रसूल, करबला का दश्त भी गोया मदीना हो गया। करबला का दस्त भी गोया मदीना हो गया। और यहाँ से दो शेर आखिरी के और हैं, देखिए रोशन भाई, फहम भाई। खुतबे सजाद से हिलने लगा कसरे यजीद, खुतबे सजाद से हिलने लगा कसरे यजीद, जितना इत्मीनान था उतना ही खतरा हो गया। जितना इत्मीनान था उतना ही खतरा हो गया। और हजरात, ये हम तमाम मद्दाहों की तरफ से एक दुआ है, मुलाहजा फरमाए। आखिरी शेर हाजिर करता हूं के एक नशिस्त ऐसी भी हो के हम सुनाए वो सुने, एक नशिस्त ऐसी भी हो के हम सुनाए वो सुने, और कहें लोहाथ का धोवन तुम्हारा हो गया। और कहें अरे बहुत अच्छा शेर हुआ, एक नशिस्त ऐसी भी हो के हम सुनाए वो सुने, और कहें लोहाथ का धोवन तुम्हारा हो गया। एक शेर हजरात और मुलाहजा फरमाए, अख्द में बिनते हसन को लाए हैं इब्ने हुसैन, अख्द में बिनते हसन को लाए हैं इब्ने हुसैन, मुत्तसिल एक बार फिर दरिया से दरिया हो गया। मुत्तसिल एक बार फिर दरिया से दरिया हो गया। और यह आखिरी शेर और रहमत तमाम, रोजे शह की जियारत के लिए निकले जो हम, रोजे शह की जियारत के लिए निकले जो हम,
धूप में भी ये हुआ महसूस, साया हो गया। जज़ाक अल्लाह जनाब सलीम बल्लामपुरी साहब, और मैं बग़ैर किसी तमहीद के गुजारिश करूँगा बेहतरीन लब व लहजे के शायर जनाब रोशन बनारसी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ। जनाब रोशन बनारसी साहब, मुलाजा करिए कुर्सियाँ और एक चेयर, मैं बाबा का बुलंद होने से बात कर रहा हूँ। अरे अपनी सलामति के लिए भीख मांगने अक्सर डरे उसे सेल पे आई है जिंदगी। अरे तारीकियों से नूर में लाई है जिंदगी, अरे हुरने बसे रात में पाई
की लाला करे भैया, इसलिए दिल में मेरे जान अभी बाकी है। लाला करे जल्दी जल्दी, अरे इसलिए दिल में मेरे जान अभी बाकी है, अरे करबला जाने का अरमान अभी बाकी है, करबला जाने का अरमान अभी बाकी है, अरे वो तो बस पूछते पयंबर से ही उतरे हैं हुसैन, अरे दो थे इस्लाम पे एहसान अभी बाकी है, दो थे इस्लाम पे एहसान अभी बाकी है, अरे हो ना पाई कोई तरमीम कलामे हक में, अरे क्योंकि एक बोलता कुरान अभी बाकी है, क्योंकि एक बोलता कुरान अभी बाकी है, ओ कैसे पहचानेगा किरदार अबू तालिब को, अरे कैसे पहचानेगा किरदार अबू तालिब को, शक्ले इंसान में शैतान अभी बाकी है, शक्ले इंसान में शैतान अभी बाकी है, आखिरी छे, अरे पूरा हो जाने दे सज्जाद के खुतबे को यजीद, अरे फतेह शबीर का ऐलान अभी बाकी है, ओ कुल ईमान से उल्फत किए रोशन है दली, हम अली वालों